जब भी बाबा द्वारका माई से चावड़ी सोने आते तो जो चांदी की पालकी बाबा के लिए राधा कृष्ण माई ने संग्रहित की थी, उस पालकी में बाबा कभी बैठे तो नहीं, उनकी पादुकाएं और सटका रख करके, उनका एक चित्र रख करके वो पालकी आती। जिस दिन पालकी निकलनी होती उस दिन पूरी द्वारका माई मस्जिद को सजा दिया जाता फूल हारों से। शाम से ही वहां पर रोज शाम को भजन कीर्तन शुरू हो जाते। बाबा अपने आसन पर बैठते पूरी मस्जिद को दीपकों से सजा दिया जाता। लोग धीरे धीरे शाम के समय चावड़ी में आना इकट्ठे हो जाते, बाबा की तरफ बढ़ते हुए जाते। तात्या बाबा के लिए नया अंगरखा लेकर के आते जिसे बाबा अपनी फटी हुई कफनी के ऊपर पहन लेते। तात्या अपने दोनों हाथों से बाबा को अपने आसन से खड़ा करते। बाबा धीमे धीमे कदमों से खड़े होते, बाबा के नाम के जयकारे लगना शुरू हो जाते हैं। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। बाहर वाद्य यंत्र बजना शुरू हो जाते, ताल चिपलिस मंजीरे खंजरी बजना शुरू हो जाती। बाबा अपने स्थान से धीरे धीरे बाहर आते, मस्जिद की सीढ़ियों पर रखे हुए दीपकों को वो अपने दाहिने हाथ से बजाते हुए बाहर आते। बाहर गुलाल और फूलों की वर्षा शुरू हो गई है। साईनाथ महाराज की जय। लोगों ने बाबा की पालकी अपने कंधे पर उठा ली है। बाबा धीरे धीरे द्वारका माई मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। लेके चलो, 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 लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साई के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साई के नाम का। तेरे बाबा फिर काहे का डरना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। साईनाथ 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 साईनाथ, लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की।
भाई और चावड़ी के बीच में एक मारुति मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। बाबा वहां रुक करके कुछ लम्हों के लिए हनुमान जी को कुछ इशारे करते और उनकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख करके आगे बढ़ जाते थे। तेरा मजहब है क्या, साई नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, वो है सबका देवता। बंदे तेरा मजहब है क्या, साई नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, वो सबका है देवता। साई का हो जा 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 जा, साई साई करते तू साई का हो जा। साई नाथ साई नाथ साई नाथ, साई नाथ साई नाथ साई नाथ, लेके चलो 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 चलो, लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो, लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालक मेरे शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालक शिरडी के नाथ की। कांदा लगा के बोलो जय साई नाथ की, 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 कांदा लगा के बोलो, लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांदा 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 लगा के बोलो जय साई नाथ की, 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 जय साई। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज के। और बाबा को चावड़ी में बहुत सारे गद्दे लगाए रहते थे, उसके ऊपर ले जाकर के बाबा को बैठा दिया जाता है। बाबा के षोडश उपचार पूजा होती, बाबा के पैर धोए जाते, आप लोग जल्दी जल्दी बैठ जाइए क्योंकि बाबा भी चावड़ी में जाके बैठ चुके हैं। मेरी फ्लाइट तो सवेरे 5:55 की है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे भाई लोग भी सब सवेरे 5:40 की ट्रेन से जा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं बैठे तो हम तो सवेरे तक कथा बाबा की मर्जी से करते ही रहेंगे। लेकिन माताओं को घर जाना होगा, डैडीज को भी घर जाना होगा, चावड़ी में बाबा को बिठा दिया जाता, बहुत सारे गद्दे लगाए रहते, उसके ऊपर एक सफेद चादर बिछी रहती, बाबा को वहां पर बिठा करके उनकी षोडशोपचार पूजा होती, उनके पैर धोए जाते, पाद तीर्थ लोगों में बांटा जाता, बाबा अपना जरीदार चोला उतार करके रख देते, उनको चिलम लगाई जाती। और मुझे नहीं पता आप में से कितनों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन बाबा की जो तस्वीर वहां रखी है, जब चावड़ी में बाबा की पालकी ले जाकर के उस तस्वीर पर जब चिलम लगाई जाती है, वो मुझे सौभाग्य मिला है, बाबा की असीम कृपा मानूंगा इसे,
कि बाकायदा उस तस्वीर में जब चिलम लगाई जाती है तो तीन कश उठते हुए दिखते हैं, इससे साक्षात देव और क्या होगा। वो आज भी हैं। चावड़ी में बाबा की आभा ही निराली होती थी, चारों तरफ वहां दीपक जगमगा उठते, जितनी देर बाबा की पूजा होती आरती होती। ये चावड़ी भी बड़ी अजीब जगह है भाई, बहुत अजीब जगह। तेरी चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। चावड़ी में आते सोने साई, सात पालकी के भक्त नर नारी। इस चावड़ी में आते सोने साई, सात पालकी के सब नर नारी। आज छाई है, आज छाई है मस्ती बहार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। आज छाई है मस्ती बहार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। मेरे साई का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। मेरे साई का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। Thank you.
इस चावड़ी में जिंदगी बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। इस चावड़ी में जिंदगी बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। मेरे साई है, मेरे साई है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। मेरे साई है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। चावड़ी में बाबा को जब सब रात को छोड़ करके जाते, तो जाते जाते तात्या बाबा को एक गुलाब का फूल दे करके जाते। बाबा तात्या से कहते, रात में आकर मेरा ध्यान रखते रहना। धीरे धीरे सारी रोशनियां बुझा दी जाती। लोग समझते साईं सो गए। साईं न तो कभी सोए न कभी सोएंगे। बापू साहब बूटी, जिन्होंने बूटी वाड़ा बनवाया, जिसको आज हम समाधि मंदिर कहते हैं, उनके जवाई प्रोफेसर जीजी नारके, जो कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए थे, उनसे बाबा ने एक बार सूट कोट में भिक्षा मंगवा दी थी। उनका कहना था कि साईं ने मुझे बताया है कि चावड़ी में उनके पास बहुत काम रहता है, न जाने कितने ही लोगों के दुख दर्द वो दूर करते हैं, और जिनके दुख दर्द दूर नहीं कर सकते उनके कम कर देते हैं, और न जाने कितने ही लोगों को वो रोज परमात्मा के चरणों में ले जाकर के विलीन कर देते हैं। ये चावड़ी में साईं का काज था, ये उनका कार्य था। चावड़ी आज भी साईं का दरबार है, वहां इंसाफ होता है। वहां पर जो बाबा की तस्वीर है, वही एकमात्र तस्वीर है जिसको रेशमी धोती पहनाई जाती है संस्थान की ओर से। जिनको सौभाग्य मिला है उस तस्वीर के आगे झुकने का, उसमें से हमेशा इत्र की बहुत मीठी सी, भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है, जो साईं के आज भी होने का एहसास कराती है। साईं आज भी है, वो अलग अलग तरीकों से हम सबको अपने होने का एहसास कराते हैं। साईं की लीलाएं अद्भुत हैं, गिनी नहीं जा सकती, कभी नहीं गिनी जा सकती। एक दिन दोपहर की बात है, वाड़े में बापू साहेब बूटी, नागपुर के करोड़पति सेठ, और श्यामा दोनों आराम कर रहे थे, दोपहर की नींद निकाल रहे थे, आफ्टरनून सिएस्टा। अचानक श्यामा को एक स्वप्न होता है, जिसमें बाबा उनसे कहते हैं कि एक वाड़ा बनवाओ, वहां रह करके मैं अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करूंगा। उसी समय बापू साहेब बूटी को भी ठीक ऐसा ही एक स्वप्न आता है। जिसमें बाबा उनसे कहते हैं
एक वाड़ा होना चाहिए जिसमें तमाम ब्राह्मण मेरे आगे पीछे रहेंगे। हम सब इसमें सुख से साथ में रहेंगे। यहां से मैं अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करूंगा। श्यामा स्वप्न देखते देखते हिचकियां लेकर के रोते रोते खड़ा होता है। बापू साहब बूटी भी हतप्रभ हो जाते हैं जब आंख खोलते हैं। दोनों अपने स्वप्न के बारे में बात साझा करते हैं। दोनों को एक ही स्वप्न आया है। दोनों बाबा के पास पूछने जाते हैं, बाबा ये क्या था? बाबा ने कहा, जब मैंने कहा तो वाड़ा बनवाओ ना, तुरंत ही आनंद फानंद में बाबू साहेब बूटी उस जमीन को मोल ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, जो मस्जिद के ठीक पीछे थी, जहां पर बाबा अपने हाथों से पहले फुलवारी लगाया करते थे। रोज राहता तक जाते, जाई और जूही के पौधे लेकर के आते। शिरडी का कुम्हार उनको रोज दो कच्चे मट्टे मटके देता, जिससे बाबा उनमें पानी उड़ेलते और कच्चे होने के कारण वो मटके वहीं पर रख देते, वो फूट जाते। मिट्टी से मिट्टी का मिलन, वहां पर शायद यही होना था जिसका संकेत बाबा कई सालों पहले देते थे। कच्चे घड़े अपने उद्गम स्थान में मिल जाते। मिट्टी को मिट्टी से अलग करना संभव नहीं है। एक मुहूर्त देख करके श्यामा मास्टर ने नारियल फोड़ा, बाबा की अनुमति ली, वाड़े का निर्माण कार्य शुरू हो गया। बाबा रोज सवेरे शाम लेंडी बाग सैर जाते 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 रोज वाड़े को प्यार भरी निगाहों से देखते, उसकी प्रगति की जानकारी लेते। एक दिन श्यामा आए बाबा के पास। बाबा प्रेरणा हुई है कि वाड़े के मुख्य कक्ष में एक चबूतरा होना चाहिए जिस पर मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होगी। बाबा ने कहा, जरूर करो। मुरलीधर की मूर्ति की व्यवस्था कर दी गई। बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उन्होंने धीरे धीरे भिक्षाटन पर जाना कम कर दिया था। कभी श्यामा को, कभी प्रोफेसर नारके को, कभी तात्या को, कभी किसी और को भिक्षा लेने भेजते थे। १९१६ दशहरे का दिन। दशहरे को शिरडी में सीमोल्लंघन, महाराष्ट्र में सीमोल्लंघन का त्यौहार माना जाता है, जिसमें एक गांव के लोग दूसरे गांव की सीमा तक जाते हैं, उसके बाहर कदम रखते हैं और लौट आते हैं। राम के लंका विजय का प्रतीक स्वरूप यह त्यौहार है। शिरडी गांव के सभी लोग लगभग उस दिन सीमोल्लंघन के लिए शाम के समय गांव की सीमा तक गए हुए थे। बहुत थोड़े से लोग मस्जिद में थे, जो कि उस दिन बाबा की पालकी थी तो मस्जिद को सजा रहे थे। अचानक बाबा अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, अपनी कफनी निकाल करके धूनी में डाल देते हैं और पूछते हैं, लो देख लो, लो देख लो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान? उस समय बाबा, उनकी आंखें लाल हो रही थी। उनकी कफनी की आहुति पाकर के धूनी धधक उठी थी। धूनी से उठती नारंगी लपटों की आभा बाबा के चेहरे पर ऐसा निखार ला रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा के पास जाएं और उनसे कुछ कहें। लोग सशंकित हो गए कि उस दिन
पालकी निकल भी पाएगी या नहीं। भागोजी शिंदे नाम के एक कोढ़ी हैं जिनको बाबा ने अपना संसर्ग दिया और एक लोहारन के बच्चे को भट्टी में गिरने से बचाते बचाते जब बाबा ने अपना हाथ धुनी में दे दिया था और बाबा का हाथ जल गया था, बाबा ने दवाइयां ना लगवा करके इसी भागोजी शिंदे नाम के कोढ़ी से अपने हाथ की मालिश करवाई। ये घटना है 1910 की। बाबा ने समाधि ली 1918 में। 8 साल तक घाव तो कब का भर चुका था लेकिन भागोजी शिंदे ने बाबा के हाथ की मालिश करके मरम पट्टी बांधने का काज बदस्तूर लगातार जारी रखा। भागोजी शिंदे खड़े हुए, बाबा को ले जाकर के एक नई कफनी पहनाई। शिरडी गांव के लोग लौट करके आ गए थे। लोगों को बाबा के पास जाने में डर लग रहा था लेकिन समय गुजरते गुजरते बाबा सामान्य हो गए। पालकी निकाली गई। बाबा ने कहा यह मेरा सीमोल्लंघन था। शिरडी गांव का रामचंद्र पाटिल, उसको बहुत दिनों से बुखार आ रहा था। डॉक्टर्स वैद्य सब जवाब दे चुके थे। उसने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसका बुखार नहीं उतर रहा था। वो देखता है कि बाबा उसके सिरहाने खड़े हैं, बेसुध सा पड़ा हुआ है। बाबा उससे कहते हैं तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, तू जल्द ही ठीक हो जाएगा लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो आज से 2 साल बाद दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। हड़बड़ा करके रामचंद्र पाटिल उठ खड़ा होता है, देखता है तो पसीने से तरबतर है, उसका बुखार जाता रहा है। वो अपने सबसे खास दोस्त काशीराम शंपी से ये बात साझा करता है। १९१८ का दशहरा पास आता जा रहा था। एक दिन बाबा बड़ी मुश्किल से लेंडी बाग सैर को गए थे। पीछे से मस्जिद की सफाई करते करते उनके सेवक माधव फासले से वो ईंट छटक करके गिर गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। उस ईंट पर बाबा रोज रात को सर रख करके सोते थे। बाबा लेंडी बाग से वापस आए, ईंट को टूटा देख करके प्राण निकलने मानो हुए, सिर पकड़ करके बैठ गए। मेरा तो सब कुछ चला गया, ये ईंट तो मेरी जीवन संगिनी थी, अब ये चली गई। बाबा फफक करके रो पड़े। वहां मौजूद भक्तों ने बाबा से कहा बाबा हम इसको सोने के तार से बंधवा देंगे, इसको ठीक करवा देंगे। बाबा ने कहा जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। दशहरा पास आता जा रहा था 1918 का। बाबा ने श्रीमान वजह को राम विजय पढ़ने की आज्ञा दी। 7 दिन तक लगातार श्रीमान वजह ने राम विजय पढ़ी। पहली आवृत्ति समाप्त हुई, बाबा ने फिर उनसे कहा कि फिर पढ़ो। वो 2-3 दिन तक और पढ़ पाए, उसके बाद उन्होंने उसको पढ़ना बंद कर दिया। इधर बाबा की तबीयत खराब होती जा रही थी, लोगों को लगने लगा बाबा अब समाधि ले लेंगे। उधर तात्या की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी।
इधर तात्या खासता उधर बाबा खासते, इधर तात्या कराता इधर बाबा कराते, उधर तात्या के मुंह से खून निकलता यहां बाबा खून की उल्टियां करते, वहां तात्या के घर वाले परेशान थे यहां बाबा के भक्त परेशान थे। बाबा ने एक दिन बड़े बाबा जो कि मनमाड़ के थे उनके बेटे को बुला करके कुछ रुपए दे करके कहा कि अहमदनगर के पीर बन्ने मियां के पास जाओ, उनको ये पैसे देना और कहना कि नवे महीने के नवे दिन अल्लाह मियां अपनी रोशनी को वापस ले लेंगे। इन पैसों से उनसे कहना मौलू कर दें। आमतौर पे जो मृत्यु भोज होता है उसको मौलू कहा जाता है। बाबा पूरी तरह सचेत थे, उनके शरीर भले क्षीण हो चला था लेकिन उनकी चेतना पूर्णतः जागृत थी। तात्या की बिगड़ती हालत देख करके रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला शंपी दोनों की चिंताएं बढ़ गई थी। उनको पता था कि दशहरे के दिन तात्या प्राण त्याग देगा क्योंकि बाबा के शब्द कभी गलत नहीं होते। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार का दिन दोपहर की आरती में बाबा ने आंखें भी ना खोली, वो अपने आसन पे टेका लगाए रहे। आरती खत्म होने के बाद बाबा ने बड़ी मुश्किल से कुछ भक्तों को ऊदी दी। उनकी हालत देख करके लोग उनको छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। बाबा ने उन सबको चिल्ला करके गुस्सा करके जबरदस्ती भेज दिया। मस्जिद में मौजूद रहे चंद्राबाई बोरकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, नाना साहब निमोणकर, बयाजी पाटिल और नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बाबा की श्यामा। दोपहर कोई 2:30 बजने को था। बाबा ने लक्ष्मी को अपने पास बुलाया, अपनी जेब से बाबा ने पहले 5 और बाद में 4 सिक्के लक्ष्मी को दिए। दाभोलकर जी लिखते हैं कि ये 9 सिक्के भक्ति के 9 प्रकार भी हो सकते हैं। गुरु शिष्य में परंपरा में जो शिष्य के 9 विशेषताएं होती हैं उसका द्योतक भी हो सकते हैं। और उसी दिन नवरात्रि पर्व भी समाप्त हुआ था, शक्ति के 9 प्रकार के स्वरूप ये सिक्के। बाबा की लीला बाबा जाने, उन्होंने ये सिक्के दिए। बाबा अचानक अपने आसन पर जा टिके। बयाजी ने बाबा को अपने बाहों में भर लिया। बाबा ने बयाजी से कहा मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। ये कहकर के बाबा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बयाजी ने नाना निमोणकर को आवाज दी, नाना पानी लेकर के आए, बाबा के मुख में पानी डाला, पानी एक तरफ निकल गया। बाबा समाधि ले चुके थे।
जंगल में आग की तरह ये खबर छिड़ी गांव में चारों तरफ फैल गई। जो जहां पर था वही खड़ा रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो हमारा देव जो कल तक हम पर चिल्लाता था, घर में आकर के भिक्षा मांगता था, आज वो नहीं। जो जहां था वही का वही स्तब्ध रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि साई कभी छोड़ करके जा भी सकते। लेकिन ऐसा हुआ। तब आते जब वो कहीं गए होते। वो सदैव से सदैव हो गए थे। उनके चमत्कार बदस्तूर जारी थे। पहला चमत्कार हुआ कि तात्या की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लोग कहते हैं साईं ने तात्या की घात अपने सिर पर ले ली थी। लक्ष्मीबाई के अन्न का ऋण तो बाबा ने 9 सिक्कों से चुकाया। बाईजा माई के निवालों का ऋण साई ने उनके बेटे तात्या की जिंदगी बचा करके चुकाया। श्यामा के मामा लक्ष्मण को बाबा ने स्वप्न दिया कि जोग तो समझता होगा मैं मर गया, तू जाकर के मेरी आरती कर। दूसरे दिन अलह सवेरे लक्ष्मण मामा ने जाकर के बाबा के मुख पे से चादर हटाई और उनकी काकड़ आरती करी। उधर पंडरपुर में दास गणु महाराज को बाबा ने स्वप्न दिया कि मस्जिद की दीवार भर भरा के गिर पड़ी है। बाबा ने कहा मुझे आकर के फूल चढ़ाओ। दास गणु महाराज पंडरपुर से निकल लिए। चमत्कार होते जा रहे थे लगातार। साई कहीं गए नहीं थे, साई वहीं पर थे, अब भी वहीं पर हैं। चमत्कार यहां तक जारी रहे कि जब 36 घंटे बाद इस बात पर निर्णय हो गया कि उनको किस पद्धति से समाधि दी जाएगी, तब जब बाबा की कफनी निकाली गई तो बाबा की कफनी बिना फाड़े निकाली गई। उनका शरीर एकदम पहले की तरह लचीला था। राइगर मोर्टाइस मेडिकल टर्म है, जो शरीर अकड़ना कहते हैं जिसको। सभी जीवों के शरीर में राइगर मोर्टाइस हो जाता है। मृत्यु करीब 2 से 3 घंटे बाद शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है।
बाबा का शरीर पूरी तरह लचीला था। बाबा की समाधि यात्रा में पूरा शिरडी गांव, जहां जहां से लोग आ सकते थे, सब शरीक हुए। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनको दगड़ी वाड़ा, पत्थर का वाड़ा जो कि बूटी ने बनवाया था, वहां पर उसी चबूतरे पर समाधि दी गई, जहां पर मुरलीधर की मूर्ति स्थापित किया जानी थी। बाबा बन गए मुरलीधर, वो चबूतरा बन गया समाधि, और बूटी वाड़ा बन गया समाधि मंदिर। समाधि के समय बाबा के साथ उनकी एक टोपी, एक कफनी, सोने के तार से जोड़ी हुई वो ईंट, सुई धागा, क्योंकि बाबा अपनी कफनी खुद से ला करते थे जो फट जाती थी, सुई धागा, उनका एक जोड़ी पादुकाएं और शटका रख करके समाधि को बंद कर दिया गया। यद्यपि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी समाधि से मेरी अस्थियां तुम में आशा और विश्वास का संचार करेंगी। तुम निराश ना होना, मैं तब भी था जब तुम नहीं थे, मैं तब भी रहूंगा जब तुम नहीं होगे। बाबा के संकलित वाक्यों में से तैयार किए गए 11 वचन जो कि केशव मुनिराज पंडित ने तैयार किए हैं, वो आज भी बाबा की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता का हमको अनुभव कराते हैं। आइए हम सब साथ में मिलकर के वो बाबा के 11 वचन दोहराते हैं और बाबा को अपने आसपास होने की अनुभूति पाते हैं। साई राम, साई राम, साई राम, मेरे साई राम, साई राम, साई दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा अबद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा अबद दूर भगाएगा। चढ़ समाधि की सीढ़ी पर, कर तले दुख की पीढ़ी, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त तू दौड़ाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त तू दौड़ाऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त तू दौड़ाऊंगा, त्याग शरीर च
चला जाऊंगा, हद है तो मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा छोटा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। असहायता लो भरपूर, जो मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम, साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम, 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 मेरे साई राम। अब ये कथा आज यहीं पर विराम लेगी, जहां से ये अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ेगी, क्योंकि
साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल। न साईं की बातें खत्म होंगी, न साईं की शिक्षाएं खत्म होंगी, न साईं के चमत्कार कभी खत्म होंगे। साईं तो वो अद्भुत शख्सियत हैं जो कभी आपको और हमको छोड़ करके जाएंगे नहीं। वो इन तीन दिनों में इस कथा में हाजिर थे। उन्होंने एक एक शब्द इस कथा के दौरान खुद बोला है। आप समझते हैं कि आपने सुना है, सिर्फ आपने नहीं सुना है, मैंने भी सुना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहां बैठ करके सुन रहे थे, मैं यहां बैठ करके सुन रहा था। करने वाला कोई और है, दिखता कोई और है। करता साईं है और नाम हम सबका होता है। हम लोग ये दंभ भरते हैं कि ये सब हमने हासिल किया, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय वो साईं को जाता है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम साईं, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो साईं किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो साईं
किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से साई, तेरी कृपा से साई, ये तमाम हो रहा है। तेरी कृपा से साई, ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम साई, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर साई तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मुझे हर कदम कदम पर साई तूने ही मुझको थामा, मुझे हर कदम कदम पर तूने ही मुझको थामा। मेरी जिंदगी बदल दी साई तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान, एहसान हो रहा है। करते हो तुम साई, करते हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साई मेरे आते नहीं, कौन कहता है साई मेरे आते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईनाथ नाचते नहीं, कौन कहता है साईनाथ नाचते नहीं, कौन कहता है साई मेरे नाचते नहीं, कौन कहता है साई मेरे नाचते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम नचाते नहीं। खलिन लुटांगण बंदीन चरणम टोयानिपाहिन रूपम तुझे प्रमेय लिंगिन आनंद पूजन भावे वालिन पणे नमः। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस् नारायणाय इति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भला करो इन भक्तों का तुम भला करो इन भक्तों का तुम भला करो ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु 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 साई नमो नमः साईनाथ महाराज की बाबा का हृदय से कोटि से आभार धन्यवाद बस आप सभी से यही इच्छा करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा पर से अपना विश्वास कभी मत टूटने देना कभी मत बिखरने देना एक प्रश्न आया है कथा समाप्ति के बाद है व्याकरण का पुट लिए हुए ये प्रश्न है साईं शब्द का दो मिनट बैठ जाइए जरा बड़ा अद्भुत प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है जी जी मैं प्रयत्न करूंगा बाबा की कृपा से कि जिज्ञासा को किसी हद तक शांत कर पाऊं साईं शब्द का मूल रूप क्या है इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट करने की कृपा करें यह किस भाषा का शब्द है इसका मूल अर्थ क्या है शास्त्र क्या है कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करें मैं व्याकरण का पंडित तो नहीं हूं फिर भी मैं इसका जवाब दो प्रकार से देने की कोशिश करूंगा पहले जब हम कबीर के दोहों तक जाते हैं तो उन्होंने कई जगह पर साईं शब्द को परवरदिगार के रूप में सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में प्रयुक्त किया है बाबा को यह नाम श्री साईं सच्चरित्र के अनुसार भक्त मालसापति ने दिया इसकी हम कल संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं जब उन्होंने या साईं कहा बाबा को देख करके मजे की बात यह है कि भक्त मालसापति बहुत अल्प शिक्षित थे और साई नहीं सा य और य में बड़ी ई की मात्रा साई फारसी भाषा में सूफी संतों के लिए प्रयोग में आता है मजे की बात इसलिए कही मैंने कि भक्त मालसापति मेरी समझ से इतने शिक्षित नहीं थे कि उन्हें फारसी भाषा में सूफी संतों को किस नाम से उद्बोधन दिया जाता है ये पता हो ये साईं की मर्जी थी कि उन्होंने बाबा को बैप्टाइज किया नामकरण उनका कर दिया या साईं ये कुछ इसका ऐतिहासिक पुट हो गया भाषाई पुट हो गया
किस शास्त्र का है तो ये शास्त्र इसमें संभव नहीं है बता पाना, क्योंकि ये आदिकाल से सूफी संतों के लिए प्रयोग में आता रहा है। कबीर ने भी इसका जम के उपयोग किया है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये टेक्निकल बात हो गई कि साईं शब्द कहाँ का है, किसने। बाबा के भक्तों के लिए आज जैसे हमने दोपहर में शुरुआत में कथा की शुरुआत में चर्चा की कि साई से साई तक का सफर, सा से साधारण, ई से इंसान, से लेकर के सा से साक्षात, ई से ईश्वर तक का सफर साई से साई तक का सफर है। ये बाबा के भक्तों के लिए है। और अगला मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप तो साहब आम खाइए, पेड़ गिनने की क्या जरूरत है। साईं शब्द अगर मन को संतोष पहुंचाता है तो उसका नाम जप लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कहां से आया, क्या आया, क्यों आया, किसने उत्पत्ति करी, अरे साहब जिंदगी पड़ी है, अभी तो बाबा की लौ में मजे लीजिए। वो नाम जो महालसापति ने बाबा को दिया, न जाने किस रौ में दिया, लेकिन उस नाम की महत्ता आज इतनी है कि लाखों करोड़ों लोग उस नाम को जपते जपते पार हो जाते हैं। आप भी जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नर ही नाम ही नारायण की सही पहचान करा दे, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे, मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा, जप ले साई का नाम, जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम।
सपनों को अपना समझे तू भीड़ के पीछे भागे, सपनों को अपना समझे तू भीड़ के पीछे भागे, सपनों को अपना समझे तू भीड़ के पीछे भागे, सपनों को अपना समझे तू भीड़ के पीछे भागे, भीड़ के पीछे भागे, साईं के नाम की छाव तले तू, साईं के नाम की छाव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा जप ले साईं का नाम, साईं बोलो 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 साईं साईं बाबा साईं 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 मेरे साईं 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 बोलो 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 साईं बोलो 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 साईं बोलो साईं बोलो साईं बोलो 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 साईं बोलो 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 साईं 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 बोलो जप ले जप ले साईं। बहुत बहुत आभार बाबा का, आप सभी का। 3 दिन तक के आप सबके साथ बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। बाबा तो हरदम आसपास हैं, बस इस एहसास को हमेशा बनाए रखिएगा। कोई भी भूल इस कथा के दौरान हुई हो तो पहले बाबा से और बाद में बाबा के भक्तों से हाथ जोड़ करके माफी, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले साईं का नाम।